चैनल इंडियन एक्वा बॉय। सो आज का वीडियो है हमारा कि हम अपने टर्टल के लिए क्या डाइट प्लान बनाएं या क्या चार्ट बनाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है बीइंग ए इंडियन फैमिली हमारे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि उनको कन्विंस करें कि हम अपने टर्टल्स को रखना चाहते हैं एज अ पेट, क्योंकि हमारी फैमिलीज इतनी आराम से अलाउ नहीं करती। आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जब आप लेके तो आ जाते हो, फिर आप जब थोड़ा रिसर्च करते हो कि हम उनको क्या क्या खिला सकते हैं, और जब आप देखते हो कि वीडियोज या नेट पे देखते हो कि वो लोग काफ़ी लोग काफ़ी फैंसी चीज़ें खिला रहे हैं, देन यू रियलाइज़ कि यार कि हम इतनी सारी चीज़ें तो नहीं खिला पाएंगे। तो हम अपने टर्टल्स को हेल्दी रख सकते हैं क्या? यस वी कैन, क्योंकि मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैंने बहुत नॉर्मल सी डाइट रखी थी इनकी, जो बस उनको मैं वीकली रोटेट करता रहता था जिससे कि मेरे टर्टल्स हेल्दी रहें। तो पहले उससे पहले चलो मैं आपको अपने टर्टल्स दिखा देता हूँ कि वो कितने हेल्दी हैं आप सबके ब्लेसिंग से। सो आप देख सकते हैं ये मेरा पहला टर्टल है। तो अगर इसके आप स्ट्राइप्स देखिए कितने क्लियर हैं, इसका कलर कितना ब्राइट और वाइब्रेंट है, शेल काफ़ी हेल्दी है। तो इसको मैंने कोई ज़्यादा फैंसी डाइट नहीं, काफ़ी नॉर्मल सी डाइट दी है, और आप देख सकते हैं कि ये कितने हेल्दी हैं। मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ। ये देखिए शेल का कलर कितना प्यारा है, कितने हेल्दी हैं, शेल हेल्दी है। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे टर्टल्स काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं, उनका कलर कितना ब्राइट और वाइब्रेंट है। तो आपके साथ मैं अपनी टर्टल की डाइट शीट या चार्ट शेयर करूंगा कि आप उनको क्या क्या फीड करें और वीकली कैसे फीड करें। बट उससे पहले आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं कि जो हमारे टर्टल्स होते हैं, जो जब वो छोटे होते हैं तो बेसिकली वो काइंड ऑफ मोर कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस एज इन कि उनको सिर्फ एनिमल प्रोटीन पसंद होता है, बट वो जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं तो वो ओमनीवोरस यानी प्लांट्स और एनिमल चीज़ें दोनों खाने लगते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब आप अपने छोटे वाले टर्टल को मोर ऑफ पैलेट्स दो, बट ये बुरा नहीं होगा कि अगर आप उनको अभी छोटे से ही अगर थोड़ा वेजिटेबल्स भी ऑफर कर रहे हो, तो जब वो बड़े होंगे तो वो ज़्यादा शाई नहीं होंगे और वो वेजिटेबल्स भी खाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप अपने बेबी टर्टल को खाना खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि वो अपने टर्टल्स को खाना देते हैं पर वो खा नहीं रहे, क्योंकि वो बड़ा टैंक होता है और छोटा बेबी उसको आइडिया नहीं होता कि फूड कैसे टेस्ट होता है। तो आप उनको कुछ इस तरह बाउल में रख के खिला सकते हैं। तो सबसे बेसिक है कि जब भी आप अपने टर्टल को खाना खिला रहे हो या जो हम सब खाते हैं, इट्स वेरी बेसिक कि उस खाने में विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो जो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ वो है हमारे कमर्शियल टर्टल फूड पैलेट्स। सो ये पैलेट्स काफ़ी कन्वीनियंट हैं और काफ़ी बेनिफिशियल हैं अगर आप सिर्फ ये भी सिर्फ इतना ही खिला रहे हो, बहुत है, बिकॉज ये अच्छा खासा मिक्स है आपके विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें काफ़ी अच्छा बनाया है। बट हाउएवर द सेइंग गोज, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो आप अगर टर्टल्स को थोड़ा और खिला रहे हैं, कुछ नेचुरल वेजिटेबल्स भी दे रहे हैं, तो वो और उनको नेचुरल तरीके से खिला रहे हैं, तो उनके मिनरल्स और विटामिन्स टर्टल के बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये बात होगी हमारे कमर्शियल पैलेट्स की, जो मैंने आपको बताया कि आप अगर ये भी खिला रहे हैं तो ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं और इनसे भी आप अपने टर्टल्स को हेल्दी रख सकते हैं। बट इसके अलावा भी मैं आपको अब चलो अपने स्क्रीन पे एक डाइट चार्ट दिखाता हूँ, जो आप मंडे से संडे तक आप क्या क्या खिलाएं उनको रूटीन में, ताकि वो हेल्दी रहें। प्लस काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हमको कितना पोर्शन साइज देना चाहिए अपने टर्टल्स को। तो जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और देखा है, प्लस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने उसके लिए भी साइज़ वाइज पोर्शन साइज का भी चार्ट बनाया कि आप अपने टर्टल्स को कितना कितना खिलाएं। तो चलिए मैं अब आपको स्क्रीन में डाइट चार्ट दिखाता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं टर्टल साइज एंड फूड क्वांटिटी, काफी लोग पूछते हैं कि जब वो अपने टर्टल लेके आते हैं तो हम उनको कितना पोर्शन साइज खाना दें या पैलेट्स दें, तो इसके लिए मैंने चार्ट बनाया है। तो ये बेसिकली बोला जाता है कि टर्टल के फेस के हिसाब से जो थम रूल बोलते हैं कि उतना खिलाएं, तो वो ठीक है, बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने चार्ट बनाया है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि मैंने मेंशन किया है 6 to 8 और 10 to 15, तो ये इसलिए मेंशन किया है कि फॉर एग्जांपल आप अपने टर्टल को खाना खिलाते हैं, आप 6-8 पैलेट्स डाल रहे हैं, बट वो आपने नोटिस किया कि वो सिर्फ 5-6 खा रहा है, तो आप उसको 6 भी खिला सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बट ये है रफ आइडिया कि आपको कितने पैलेट्स खिलाने चाहिए अपने टर्टल को। तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो जब भी आप अपने टर्टल्स बेबी टर्टल लेके आते हैं तो वो होते हैं 1.5 से 2 इंच के बीच में, तब आप पैलेट्स उनको 4 पैलेट्स दे सकते हैं 3 से 4 के बीच में, जो आपको मॉर्निंग में फीड करना है और इवनिंग में फीड करना है। उसके बाद जब आपका टर्टल 3 से 4 इंच का हो जाए तो आप उनको 6 से 8 पैलेट्स के बीच में दे सकते हैं कि जैसा आपका टर्टल खा रहा हो। देन 5 to 7 इंच का हो जाए तब आप उसको 10 to 15 पैलेट्स के बीच में दे सकते हैं। प्लस जब वो 7 इंच क्रॉस कर जाए तब इट गेट मस्ट कि आप उसमें थोड़े अब वेजीज भी ऐड करने लगें। अब चलो मैं आपको अपना वीकली रूटीन चार्ट दिखाता हूँ जो मैं अपने टर्टल्स को उनकी फूड वेराइटीज़ को चेंज करता रहता हूँ और बहुत नॉर्मल है, तो और ये आपके टर्टल को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये है मेरा टर्टल डाइट चार्ट जो मैं आपको बता रहा था, जिससे मैं अपने टर्टल्स हेल्दी रखता हूँ, उनके कलर काफ़ी ब्राइट रहते हैं और उनके शेल काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये है मेरा वीकली चार्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। और भाई मैं आपको बता दूँ, एम का मतलब मॉर्निंग है और ई का मतलब इवनिंग, अगर आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाएँ, मैंने ऊपर भी डाला हुआ है। तो मंडे को मैं उनको देता हूँ पैलेट्स और इवनिंग को भी देता हूँ पैलेट्स। ट्यूजडे को मैं उनको मॉर्निंग में देता हूँ पैलेट्स और इवनिंग में उनको देता हूँ चॉप्ड कैरेट्स। आप कैरेट अगर देना चाह रहे हैं तो उसको काफ़ी बारीकी में चॉप करके ही डालें ताकि वो इजीली खा पाएँ। देन वेनेसडे को मैं देता हूँ पैलेट्स प्लस कैबेज और कैबेज। अब कैबेज का मैं एक चीज़ बता दूँ कि कैबेज को भी आप चॉप करके सीधा पानी में छोड़ दें और देखें कि वो कितनी देर में खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उसके बाद अगर वो नहीं खा रहे तो उसको निकाल दें आप। थर्सडे को मैं देता हूँ कैरेट्स प्लस कोरिएंडर यानी धनिया। देन फ्राइडे को मैं देता हूँ पैलेट्स प्लस पैलेट्स ओनली इन द इवनिंग। सैटरडे को मैं देता हूँ कैरेट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में पैलेट्स। संडे को मैं देता हूँ सुबह कैरेट्स देन एग बॉइल्ड एग के क्रश शेल या बॉइल्ड एग देता हूँ, प्लस आप लोग काफ़ी लोग देते होंगे चिकन और वॉर्म्स, वो भी आप खिला सकते हैं। संडे को उनका फन डे बना दें ताकि वो अपनी मील को इन्जॉय करें, बट उसको आप सिर्फ हफ्ते में एक ही बार खिलाएं। क्यों? अगर आप सिर्फ उनको ब्लड वॉर्म्स या चिकन ही खिला रहे हैं एवरी डे तो फिर वो नॉर्मल फूड खाना छोड़ देंगे, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आप सिर्फ वीकली एक बार खिलाएं। अब ये जो मैंने आपकी डाइट बताई है, इनके जो जो मैं खिला रहा हूँ उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोटीन विटामिन्स हैं, वो थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ जिससे कि आपको भी नॉलेज हो जाएगा, अच्छा ठीक है कि हमें ये चीज़ ज़्यादा खिलानी चाहिए या इतना बैलेंस रखना चाहिए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैबेज से। अब कैबेज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं ताकि अगर आपको नहीं पता प्लीज़ इस पॉइंट को नोट करें सबसे पहले कि कैबेज में एक होता है ज्यूट्रोजन। ज्यूट्रोजन एक न्यूट्रिन होता है कैबेज के अंदर। अगर आप ये बहुत ज़्यादा अपने टर्टल को खिला रहे हैं तो ये आपके टर्टल को किडनी में प्रॉब्लम दे सकता है या गले या गोइटर में प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ मैंने वीकली कैबेज सिर्फ एक बार रखा है, मैं सिर्फ एक बार ही खिलाता हूँ, वो भी कम क्वांटिटी में, बट वो अच्छा होता है इसलिए खिलाना पड़ता है, बट आप ज़्यादा ना खिलाएं। मैं बताता हूँ अच्छा क्यों होता है। तो कैबेज में होता क्या है कि वो विटामिन के और सी से भरा हुआ होता है, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं कि कैलोरीज है, फाइबर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। कैल्शियम से मुझे याद आया कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्टल्स की ग्रोथ के लिए और उनके शेल के लिए। तो आप देखें कि उनके जो भी फूड खिला रहे हैं कैल्शियम भी उसमें थोड़ा बहुत हो। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने टर्टल को कैबेज डाल सकते हैं, कैबेज उसको पानी में ही डालिए, पर आप देखें कि अगर वो आधे घंटे के अंदर वो कैबेज जितना खा पा रहा है उतना खा रहा है, अगर उसके ज़्यादा 30 मिनट के बाद भी नहीं खा रहा तो उस कैबेज को प्लीज़ पानी से निकाल दें। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ कैरेट। कैरेट मेरे हिसाब से तो इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ सेवर ऑफ टर्टल, उनकी हेल्थ,
उनकी हेल्थ रिलेटेड, उनके हेल्दी ग्रोथ से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कैरेट्स क्या करते हैं, कैरेट्स एक भरा होता है विटामिन ए से, और विटामिन ए टर्टल की हेल्थ की और ग्रोथ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। तो आपने देखा होगा जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं अपने कि ये कैरेट के क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने कैरेट सोप पे बनाई है तो ये ऊपर आपके आई लिंक आ रही होगी, आई कार्ड, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो कैरेट का होता क्या है कि कैरेट में काफ़ी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और बेसिकली उसमें होता है एक बीटा कैरोटीन विथ जो टर्टल की बॉडी या हमारी बॉडी खाने के बाद उसको कन्वर्ट करती है विटामिन ए में, और विटामिन ए की क्वांटिटी को बॉडी में अच्छे से बैलेंस रखती है जो टर्टल की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब दूसरा मूव करते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर इन हिंदी इसको हम बोलते हैं धनिया। अब धनिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके भरा होता है विटामिन सी, विटामिन के, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसमें फाइबर होता है, मैग्नीज होता है और पोटेशियम होता है, कैल्शियम भी होता है, इसमें सारे छोटे छोटे अमाउंट है। तो हम इसको हर बारी अपने टर्टल के फूड में थोड़ी सी वैरायटी दे रहे हैं जिससे कि उसमें ये सब आ रहा है। तो मैं बस जो वेजिटेबल्स ऑन रेगुलर बेसिस खिलाता हूँ वो यही तीन चीज़ें हैं, कैबेज, कैरेट और आपका कोरिएंडर। और जो आपको मैंने संडे को बोला था कि संडे को आप खिला सकते हैं उनको, मैं सिर्फ देता हूँ अपने हिसाब से क्रस्ट, एक्सेल, चिकन, मीट चंक्स और ब्लड वॉर्म्स मैंने अभी तक नहीं दिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं लाता नहीं हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि चिकन जो रॉ मीट या चिकन होता है, जो कच्चा चिकन होता है, वो कॉन्टामिनेशन या डिजीज़ के इशू रहते हैं, रॉ है ठीक होगा नहीं होगा, प्लस वॉर्म्स कितने सेफ हैं, कौन सी क्वालिटी के आ रहे हैं, तो इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेता, इसलिए खिलाता नहीं। आप खिला रहे हैं कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप एज नो एज फार एज यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू द क्वालिटी ऑफ द मीट एंड द वॉर्म्स इज़ गुड। बट मैं अभी तक सिर्फ उनको क्रश्ड एक्सेल खिलाता हूँ यार, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खिलाता। तो ये था हमारा डाइट चार्ट प्लस पोर्शन साइज चार्ट। अगर आप लोगों ने उसका वाइल्ड वीडियो अगर नोट कर लिया, अगर नहीं नोट कर पाए डोंट वरी, आप मेरे को इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हैं, तो मैं आपकी ये चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर मुझे पिंग करिए, मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके टर्टल्स के शेल थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं या उनके लिम्स यानी उनके हाथ या पैर काफ़ी वीक हो रहे हैं, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से उनके डाइट में ना होने पे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हम ये उनके सॉफ्ट सेल डिजीज़ को हम कैसे ओवरकम करें और हम क्या क्या चीज़ें खिलाएँ या कैसे खिलाएँ ताकि उनके डाइट में हम इंक्लूड कैल्शियम कैसे करें ताकि वो हेल्दी रहें। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आई होप जितने मेरे टर्टल लवर्स हैं उनको मेरे टर्टल के ऊपर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अपना सपोर्ट आप ऐसे ही बना रखें, और जितने भी आपके टर्टल लवर्स फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, उनको बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मेरे को मोटिवेटेड रखता है और मैं आपके लिए टर्टल्स के ऊपर वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं ऐसे ही टर्टल, फिश, एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।